सादर प्रणाम सभी को। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट की। हम जानेंगे कि ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 यानी कि GNR 2018 चर्चा में क्यों है। हम जानेंगे इससे संबंधित संक्षिप्त इतिहास के विषय में और इससे संबंधित मुख्य तत्व जो कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में है और भारत की इस रिपोर्ट के अनुसार क्या स्थिति है, इन बिंदुओं को भी आज हम अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। बात करते हैं ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के संदर्भ में। अभी हाल ही में 2018 का वैश्विक पोषण प्रतिवेदन निर्गत किया गया है और इसलिए ये चर्चा में है क्योंकि जो प्रतिवेदन आया है वो प्रतिवेदन के जो आंकड़े हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं, अगर विश्व के संदर्भ में कहें तब भी और भारत के संदर्भ में कहें तब भी। बात कर लेते हैं इसके संक्षिप्त इतिहास की। 2013 में संपन्न पहले न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव समिट यानी कि N4G के बाद वैश्विक पोषण रिपोर्ट की एक अभिकल्पना की गई जिसमें कहा गया कि पूरे विश्व के आंकड़े एकत्रित किए जाएं जिससे कुंठित वृद्धि या कुपोषण संबंधी हमें जानकारियां प्राप्त होती रहे, देशों की स्थितियों का पता चलता रहे। तो इसी उद्देश्य से विभिन्न सरकारों के 100 हितधारकों, अनुदानदाताओं, सिविल सोसाइटी संगठनों, संयुक्त राष्ट्र और व्यवसाय जगत के द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं पर नजर रखने के लिए एक प्रणाली निर्गत करना है। बात करें मुख्य तथ्यों की तो निम्न और मध्यम आय वाले देशों में 5 वर्ष से नीचे के बच्चों में 45% मृत्यु का कारण कुपोषण है। सोचिए 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में 45% मृत्यु का कारण कुपोषण है। शरीर के भारी होने और मोटापे से भी विश्व भर में 40 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है और जीवन के लगभग 120 मिलियन स्वस्थ वर्षों की हानि होती है। अगर सारी मृत्युओं को जोड़ लिया जाए और वर्षों को जोड़ लिया जाए तो इतनी यहां पर हानि हो रही है पूरे विश्व में। और विश्व में 38.9% वयस्क आवश्यकता से अधिक भारी हैं यानी कि ओवरवेट हैं और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में 150.8 मिलियन कुंठित बच्चे कुंठित वृद्धि वाले हैं और 50.5 मिलियन बहुत ही ज्यादा दुबले हैं और 38.3 मिलियन जो बच्चे हैं, ये सारे आंकड़े 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों से ही संबंधित हैं। तो उन 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में 38.3 मिलियन आवश्यकता से अधिक भारी हैं। अब बात कर लें कि इसके अलावा जो रिपोर्ट में आंकड़े दिए गए हैं उनमें है कि 20 मिलियन बच्चे ऐसे जन्म लेते हैं जिनका भार सामान्य से कम है और कुपोषण के चलते विश्व की अर्थव्यवस्था में $3.5 ट्रिलियन की प्रतिवर्ष हानि होती है जिसमें मोटापे का योगदान है $500 बिलियन। तो बहुत ही, यानी कि रिपोर्ट की अगर एक ओवरव्यू की हम बात करें तो मोटापा सबसे बड़ी समस्या है जिससे हानि बहुत ज्यादा है स्वास्थ्य को भी और कहीं ना कहीं मोटापा भी एक इंडिकेशन है कुपोषण का। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विकसित देशों और उभरते हुए बाजारों वाले देशों में पोषण का स्तर अलग अलग है। रिपोर्ट में सूचित किया गया है कि बच्चे, किशोर और वयस्क आवश्यकता से अधिक परिष्कृत अनाज, चीनी वाले खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं और जितनी उनके शरीर को आवश्यकता है वह उतनी मात्रा में ना तो भोजन लेते हैं ना सब्जी, अनाज और फल का ही सेवन करते हैं। अब इस संदर्भ में अब जान लेते हैं भारत की स्थिति क्या है। तो भारत अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति प्रदर्शित करता है, यानी कि कुल मिलाकर विश्व में जितने कुंठित वृद्धि वाले बच्चे हैं उनमें 31% बच्चे भारत में रहते हैं जो कि बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं और भारत के लिए एक चिंता का विषय भी है। भारत में कुंठित वृद्धि वाले बच्चों की संख्या 46.6 मिलियन है जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। जिलों में भी असमान वितरण है तो इस संदर्भ में 604 जिलों में 239 जिलों में कुंठित वृद्धि का स्तर 40% से ऊपर है और इस असमानता के कुछ कारण जो ढूंढे गए हैं या बताए गए हैं वो है लिंग भेद, शिक्षा, आर्थिक दशा, स्वास्थ्य और साफ सफाई, ये कुछ मुख्य कारणों को उसमें उजागर किया गया है। बात करें अगर शहरों और गांवों की तो शहरों में कुंठित वृद्धि है 19.2% और वहीं गांवों में
इसका जो प्रतिशत है वो बढ़ गया है, वो है 26.8%। तो भारत उन टॉप कंट्रीज में है जहां बच्चों का भार उनकी लंबाई के हिसाब से कम है, और भारत में ऐसे बच्चे जिनका भार उनकी लंबाई के अनुपात में सही नहीं है वो है 25.5 मिलियन। भारत उन देशों में से भी है जहां 1 मिलियन से अधिक बच्चे अधिक वजन वाले हैं, यानी कि ओवरवेट हैं। तो भारत की दृष्टि से अगर हम कहें तो ये रिपोर्ट थोड़ा सा चौंकाने वाली है, लेकिन फिलहाल हम बात करें परीक्षाओं की, तो परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है आज का कंटेंट। आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं, हमारे लिए रीइंफोर्समेंट है। तो इसलिए ये स्रोत बंद नहीं होना चाहिए, ये रीइंफोर्समेंट बंद नहीं होना चाहिए। आप लगातार साथ बने रहिए, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगले वीडियो में हम आपसे जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।